नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन ऑटो रिक्शा के सामने जिसका नाम है बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो। 2023 में लॉन्च हुआ था और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक में दो मॉडल्स आते हैं, ई टेक 9.0 जिसकी कीमत है एक्स शोरूम 371,000 रुपीज़, और ई टेक 12.0 जिसकी कीमत है 418,000 रुपीज़। CNG और डीजल में भी अवेलेबल है मैक्सिमा कार्गो। ये कार्गो मॉडल है, मैक्सिमा का ऑटो रिक्शा मॉडल भी आता है। पुणे में इसकी असेंबली होती है। 5 साल 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी बजाज देती है मैक्सिमा कार्गो पे। 1 साल फ्री 24/7 रोड साइड असिस्टेंस और 7 फ्री सर्विसेज के साथ। 75 लाख से ज़्यादा बजाज थ्री व्हीलर्स बिक चुके हैं, इसलिए इंडिया की सबसे फेमस थ्री व्हीलर कंपनी में से एक है। हर वेदर कंडीशन और हर टाइप के रास्तों को झेलने के लिए मजबूत चैसी है। लंबी लाइफ के साथ इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहती है। 29% ग्रेडेबिलिटी है। 51.2 वोल्ट सिस्टम वोल्टेज है। ये बड़े हेडलैम्प, बजाज मैक्सिमा की बैजिंग, हिल होल्ड असिस्ट है जो ढलान में गाड़ी को पीछे जाने नहीं देता है। दोनों तरफ शॉक एब्जॉर्बर्स, इंडिकेटर, सिंगल वाइपर है, कस्टमर केयर नंबर, मेरा बजाज ऐप है जिससे आप अपने आसपास के चार्जिंग स्टेशन एक्सेस कर सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं। 3.4 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर विड्थ है, 1.8 मीटर हाइट है, 2.3 मीटर व्हील बेस है, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 505 kg कर्व वेट है और 1250 kg ग्रॉस वेट है। और ये हैं 12 इंच के स्टील व्हील्स। आगे और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। आगे पीछे 130/80 R1290F MRF स्टील मास्टर M154E ट्रेड रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं। बड़े साइज के टायर्स हैं, बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ईजी रिपेयर के लिए। ये व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, हर स्टेट रेगुलेशन के हिसाब से कई कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लंबा व्हील बेस है जिससे आपको मिलती है बेहतर स्टेबिलिटी और ज़्यादा सामान रखने की जगह। रियर सेंसर्स हैं, टेल लैम्प, CV शाफ्ट है जो मेंटेनेंस को कम करती है और ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाती है। लंबे व्हील बेस की वजह से आप इसे मल्टीपल एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। बजाज मैक्सिमा का स्टिकर, ईटेक 12.0 एक्सल कार्गो का स्टिकर, IP67 रेटेड बैटरी प्रोटेक्शन है। और यहाँ बैटरी दी गई है, उसी के पीछे मोटर है। आगे स्प्रिंग के साथ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे और पीछे हेलिकल स्प्रिंग के साथ इंडिपेंडेंट ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन मिलेंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है सेंसिंग मैकेनिज्म के साथ जो ड्राइविंग कंडीशन को मॉनिटर करके रीजनरेशन शुरू कर देता है। सेंसर रीजनरेशन कैलिब्रेशन को भी बेहतर करता है। दो ड्राइव मोड्स मिलेंगे, इकोनॉमी और पावर। एडवांस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। ये एक हाई एफिशिएंट मोटर है जो एनर्जी लॉस को कम करता है और ओवरऑल रेंज को और ग्रेडेबिलिटी को भी बढ़ाता है। 2 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बेहतर ग्रेडेबिलिटी और ज़्यादा रेंज के लिए। कार्गो एरिया ओपन करके देखते हैं तो इसकी ये 1.8 मीटर लेंथ, 1.4 मीटर चौड़ाई और 275 mm हाइट। और यहाँ आप रख सकते हैं 339 kg तक का वज़न। पहली बार 1,000 किलोमीटर पे और फिर 1 लाख किलोमीटर पे ट्रांसमिशन ऑयल चेंज कराना होगा। हर 15,000 किलोमीटर पे चेक भी कराना होगा। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। काफ़ी बड़ा डोर है, इजीली हवा पास करने के लिए घूमने वाली विंडोज़ हैं। एक साइड की बैटरी है और ये स्पेयर व्हील, और ये है विनाइल अपॉस्ट्री। स्लाइडिंग विंडोज हैं, प्लेन रूफ है, हैंडल बार स्टेयरिंग है, और ये ब्रेक्स। ऑन बोर्ड चार्जर है। मैक्सिमा की खासियत है कि इसमें चार्जर फिटेड आता है तो आपको लेकर नहीं घूमना पड़ता है, बस केबल लगाओ और चार्जिंग शुरू करो। यहीं पर केबल लगेगी। हैंड ब्रेक, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, हैजार्ड लाइट का बटन, ऊपर भी थोड़ी स्पेस, लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है। फर्स्ट एड किट, स्पीकर के लिए जगह दी गई है, 12 वोल्ट का पोर्ट,
और ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये दिखाएगा रेंज, चार्ज लेवल, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। और ये वाइपर के कंट्रोल, और ये टू स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये लाइट के कंट्रोल, ये हॉर्न का बटन, इंडिकेटर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, एक्सेलरेटर। ऊपर भी लाइट दी गई है। तो मैक्सिमा में है टाटा की 11.8 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी, जिसकी 7 हॉर्स पावर, 36 Nm टॉर्क, 40 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड, इको मोड पे 30 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है, और एक चार्ज पे चलेगी 183 किलोमीटर्स। 9.0 वेरिएंट में 8.9 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी आएगी, उसकी होगी 6 हॉर्स पावर, 36 Nm टॉर्क, 40 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 149 किलोमीटर की रेंज। 16 एम्पेयर 3 पिन सॉकेट से 4 आवर्स में 80% और 5 आवर 50 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगी मैक्सिमा। लिथियम आयन बैटरी की कीमत भी कम होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये घटती कम है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो ये थी भरोसे की सवारी बजाज मैक्सिमा। आइए बजाज की नई थ्री व्हीलर डीलरशिप विजिट करते हैं। अफोर्डेबल, रिलायबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बजाज कंपनी। अगर आप अपने बिजनेस को सुपर चार्ज करना चाहते हैं तो बजाज ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड नाम है। यहाँ पर आपको मिलेगा बजाज आरई ऑटो रिक्शा, जो कि इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी में अवेलेबल है। फिर मैक्सिमा कार्गो, जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक, डीजल और सीएनजी में अवेलेबल है। उसके बाद आपको मैक्सिमा ऑटो रिक्शा भी मिलता है, और हाँ, एक फेमस छोटी सी कार बजाज क्यूट भी अवेलेबल है सिटी ड्राइव्स के लिए। ये सारी गाड़ियाँ आपके बिजनेस की डिमांड्स को देखकर बनाई गई हैं, बेहतर एफिशिएंसी और एफोर्डेबिलिटी के साथ। पावर, माइलेज और रिलायबिलिटी का परफेक्ट मिक्स है ये व्हीकल्स। मॉडर्न एस्थेटिक्स और स्पेशियस लेआउट के साथ शोरूम को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्राउडेड फील नहीं होता है। नेचुरल लाइट के लिए बड़ी ग्लास विंडोज़ हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग और वेलकमिंग एनवायरनमेंट है यहाँ पे। वेटिंग एरियाज़ हैं कंफर्टेबल सोफ़ा के साथ, जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट्स भी मिलते हैं। साथ में आप वाईफाई एक्सेस भी ले सकते हैं। बहुत ही क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और हाई स्टैंडर्ड डीलरशिप है ये, जिससे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी कितने बेहतरीन हैं। कई लेटेस्ट डील्स, स्पेशल डिस्काउंट्स, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस, इंश्योरेंस और एक्सचेंज बोनस को भी आप डीलरशिप पे अवेल कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए हैं इस बाइंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पर्सनलाइज अटेंशन भी मिलती है, जिसमें आप वन ऑन वन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। फ्री टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल रहती है यहाँ पे। फ्रेंडली टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। टीम आपको सारे फीचर्स और बेनिफिट के बारे में भी बताएगी। इससे आपको टेस्ट ड्राइव में और कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और आपको आपके बिजनेस के लिए राइट थ्री व्हीलर भी चूज़ करने में हेल्प मिलती है। कस्टमर फोकस्ड सेल्स टीम है, जो आपको ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट एडवाइस देती है। स्ट्रेस फ्री और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है यहाँ पे, जहाँ आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं और गाइडेंस भी ले सकते हैं। बेहतरीन आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी आपको मिलता है बजाज में, जिसमें शामिल है मेंटेनेंस सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स और वारंटी पैकेजेस। इन सब से आप एकदम पीस ऑफ माइंड रह सकते हैं और बस अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। बजाज सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं, जिन्हें हर बजाज थ्री व्हीलर मॉडल को हैंडल करने की स्किल और एक्सपीरियंस है। इन्हें बजाज इंजीनियरिंग की इन डेप्थ नॉलेज भी है, जिससे आपकी गाड़ी को बेस्ट केयर मिलती है। 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स भी हैं यहाँ पे, जिससे आपकी गाड़ी हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रहेगी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर, जिससे आपके थ्री व्हीलर की परफेक्ट डायग्नोस्टिक्स और रिपेयर्स होती हैं। कंफर्टेबल वेटिंग एरिया भी है, जहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी सर्विस होते हुए देख सकते हैं। साथ ही कई कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट्स भी यहाँ आपको मिलते हैं। सर्विसिंग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और आपको एक क्लियर अफोर्डेबल प्राइसिंग मिलती है। सेम डे सर्विस है, जिससे आप वापस रोड पे आ सकें और अपना जल्दी बिजनेस शुरू कर सकें।
काफ़ी नॉलेजेबल स्टाफ है जो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देता है। इसी वजह से कई लाखों बिजनेस ने भी बजाज थ्री व्हीलर से ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन लेकर ग्रोथ की है। आइए ऐसे ही एक कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। आत्माराम यादव। अच्छा, अभी आपके पास कौन सा गाड़ी है? ये इलेक्ट्रिक बजाज का लोडर 7 दिसंबर का भी है। इसके पहले हमारे पास ट्रैक्टर है, फोर व्हीलर है, बैटरी वाली स्कूटी है, और 3 फीट 4 व्हीलर है, 3 फीट ट्रैक्टर है, अपना बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार है। जो है कि एक गाड़ी लिए कि दुकान पर अपनी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, कभी कभी किसी कस्टमर को 10 बोरी 5 बोरी या 20 बोरी की जरूरत पड़ गई तो साधन नहीं मिलता है, तो हम अगर सही डिलीवरी नहीं देंगे ग्राहक को तो ग्राहक हमसे संतुष्ट नहीं होंगे, हमसे आए हमारे यहाँ आएंगे नहीं। तो इसलिए हमने लिया कि 5 किलोमीटर का 15 किलोमीटर के एरिया में सामान भेजता, किसी का सिला लग रहा है भैया 10 बोरी सीमेंट घट गया जल्दी भेजो, तो उस पीरियड में हम कहाँ साधन खोजने जाएंगे, अपने पास तुरंत ला दे भेज दे, उस आदमी का टाइम वेस्ट नहीं होगा, काम नहीं रुकेगा। इसलिए हम इस लक्ष्य से इसको लिए हैं और अपना खेती बाड़ी में भी जो जरूरत पड़ेगा, अब बाजार में हम हैं और भी किसी का काम आ जाएगा उसको भी हम देख लेंगे। ऐसा है कि हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लिए हैं बैटरी वाली, तो उस बैटरी वाली गाड़ी का सुख दुख मैं जान गया, जिसके विषय में आदमी जान जाएगा उसी से दोस्ती करेगा। अगर आपसे हमसे कोई जानकारी नहीं है तब हमसे आपसे नमस्कार बंदगी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब परिचय हो जाएगा तो जो है कि बराबर, तो हमें उसके विषय में जानकारी थी कि बैटरी वाली गाड़ी में है दम कि नहीं, तो हम स्कूटी चलाते हैं, हम चले जाते हैं जौनपुर 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक, और वहाँ रात रुकते हैं, गाड़ी चार्ज करते हैं, फिर 1-2 दिन जा रहना, फिर सुबह चले जाते हैं, तो दोहरी तेहरी सवारी लेकर चले जाते हैं, 1.5 क्विंटल लोड लाद कर अपना 80 किलो का वजन लेकर हम उस पर चल देते हैं। तो हमने देखा कि ये अच्छी है, ये समय बैटरी वाली बस चल रही है, बैटरी से कार चल रही है, स्कूटी चल रही है, तो ये क्यों नहीं चलेगी। तो हमने खोजने लगा, तो पहले हमारा विचार था टोटो का, लेकिन टोटो में हमने देखा कि बड़ा झमेला था, तो फिर जो है कि इधर दिमाग दौड़ाया, तो ऐसे खेत से जा रहे थे रोड पर, एक बजाज का सवारी वाला टेम्पू वाला था खड़ा, तो हमने उससे कहा कि भैया इस गाड़ी का जो एजेंसी कहाँ है, तो उसने बताया कि तरना में, तो हमने कहा कि वहाँ लोडर मिल जाएगा, हम भी लेना चाहते हैं, हम तो महिंद्रा का लेना चाहते हैं, कहने चाहते हैं कि इसको लीजिए, इसमें ज़्यादा माइलेज है, मजबूती अच्छी है। तो हम खोजते खोजते एजेंसी आए, देखे महिंद्रा की भी गाड़ी, देखे यहाँ की भी गाड़ी, देखे आपकी भी, ये गाड़ी हमें ज़्यादा मजबूत दिखाई महिंद्रा की अपेक्षा, इसमें कुछ और खासियत अच्छी दिखाई दी, तो हमने जो है कि इसी को चयन किया और लिया। जो है मजबूती में हमने देखा बॉडी में, चेकिस में, और उसके टायर पहिए में, ये सब चीज़ें में हमें जो है कि मजबूती दिखाई दी, चेकिस जो है कि उसकी हमें मजबूती इसकी दिखाई, उसके अपेक्षा उसका टायर ऐसे तिखा रहता है, तिखा टायर चलेगा तब कटेगा एक तरफा, इसका टायर सीधा रहता है, उसको बताते हैं कि लोड लेगा तब सही होगा, और ये लोड ले चाहे खाली रहे बराबर सीधा रहेगा, इसकी गुणवत्ता हमें अच्छी होगी, इसलिए हम जो है कि इसको ले। वैसे हमने इस पर 10 क्विंटल लोड लेकर काम कर चुका हूँ, कहीं पर रुका नहीं, न दबाया, बच्चों ने भी चलाते हमें, कल 20 बोरी सीमेंट का मतलब 10 क्विंटल माल लेकर जो है कि गवई में रोड से, वही रोड ऊंचा खड़ा होता है, किसान के घर तक गया, व्यापारी के अथवा ग्राहक के घर तक, वहां उतारा फिर चला आया जो है कि। तो बल्कि हमारा लड़का एक दिन कह रहा था कि बाबू ये लोड लेने पर भी तुमको दबत ना, बड़ा बढ़िया जा रहता उससे, क्योंकि अच्छी बात है। तो ऐसे अभी आपके शोरूम में कई लोग बैठे थे, हमने एक आदमी से पूछा भैया क्या लेने आए हो, तो कहा टेम्पो, उनके कौन सा, कहा सीएनजी, उनके बैटरी वाले नहीं लेते हो,
बैटरी वाला चार्ज होगा तब चलेगा, तब फिर क्यों, आप भी खाएंगे तो चलेंगे। तो दिन भर चलाइए, रात भर वो भोजन लगी, आप रात भर आराम करिए, फिर सुबह चलाइए। अच्छी चीज़ है जो है कि हर चीज़ सरकार जो है कि बैटरी पर प्रदूषण युक्त उस पर ध्यान दे रही है, इसलिए जो है कि यही हमारा सोच रहा, अच्छी चीज़ हमें लगी, हमने दिया। आइए डीलर प्रिंसिपल से बात करते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बजाज डीलरशिप के साथ। ओके, सो द एसोसिएशन विद बजाज, राइट, वी हैव स्टार्टेड दिस डीलरशिप 18 इयर्स अगो एंड वी हैव बीन कंटिन्यूइंग, बट द एसोसिएशन लाइज वे बैक देन द 18 इयर्स बिकॉज माय डैड हैज बीन एसोसिएटेड विद बजाज सिंस द बिगनिंग ऑफ हिज करियर, सो ही इफ ही हैज टू हैज अ डीलरशिप इट वुडंट बी एनीथिंग एल्स देन बजाज, सो he believes in Bajaj's values and he wants to carry that forward to wherever he can. So, क्योंकि dealership because dad believes in Bajaj, right? So, he wanted to ingrain it wherever possible. So, the way he thinks, what he understands how Bajaj wants to operate. So, that's why whatever has been there in place till today, he understood that and he is trying to push that across everywhere. So. Earlier he started in Varanasi. He has done, like we have done that basically to first make Varanasi a very good place basically, right, where people understand how Bajaj operates, what Bajaj does and how Bajaj takes care of the customers, right, so their customer satisfaction is a primary focus, so that's what we also believe in. So for starting from Varanasi, we wanted to expand it to other areas also, and Bajaj has given us the opportunity to do that in across cities. So we do look forward to expanding it further wherever possible. So the environment is very positive, people are very supportive, so that helps in building on top of whatever has been done till late. So there are no challenges, if there are any challenges, they are getting addressed on time. So, वैसा वर्क एनवायरनमेंट सब कुछ चाहिए होता है, वेर यू आर एबल टू पुट फॉरवर्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, सो वैसा एनवायरनमेंट मिलता है, पीपल आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग द वे दे लाइक इट इज देयर ओन वर्क, राइट, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रनिंग इट स्मूथली. तो अभी तक लाइक इन द पास्ट 18 ईयर्स हमने अक्रॉस 50,000 प्लस व्हीकल सेल किए हैं, लिमिटेड टू थ्री व्हीलर, एंड लास्ट मंथ इट वॉज अराउंड 500 प्लस. And this month we are targeting 800 plus. So we just keep on pushing ourselves to achieve more. Three wheeler के लिए mostly compact के लिए बहुत है. Even for cargo also बहुत है. And then coming with this EV, तो EV के inquiries are also rising with time. तो there are multiple inquiries that are coming in for EV and people are getting attracted towards it. तो अभी उसका भी that has become a hot topic for now. I can just say कि Bajaj has a standard set of beliefs and they believe in what they are trying to, the way they are trying to operate basically. So if we are getting associated with Bajaj, chances are that you will get all the support, you will get all the things will be in place for you so that you are able to prosper as a dealer. तो कैसा लगा आपको बजाज डीलरशिप एक्सपीरियंस और मैक्सिमा कार्गो, हमें कमेंट्स में बताइए. थैंक यू.